रहमतुल्लाह बरकातहु। नमस्कार तमाम साउथ मुंबई के वोटर से मैं शुएब खतीब, साउथ मुंबई के एज अ एमपी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। जब हमने फॉर्म भरा था तब मुद्दा वही था कि माइनॉरिटी का वोट चाहिए माइनॉरिटी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे कैंपेनिंग आगे बढ़ते गई बहुत से चीज़ें जो एक खुलकर सामने आने लगी कि कल तक के जो माइनॉरिटी के खिलाफ थे, कल तक के जो सेकुलरिज्म जी आज सेकुलरिज्म का दम भर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी और एक एजेंडे के साथ चलते थे। और आज जो है कुछ सियासी पंडितों ने, कुछ सियासी नेताओं ने जो है जिस तरह हमेशा होते हुए आया है कि माइनॉरिटी वोट को जो है वो अपनी जागीर समझते हैं और उसी बुनियाद के ऊपर जो है एक किस्म की तफरीक को फैलाया। मैं तमाम साउथ मुंबई के वोटर्स से अपील करता हूँ कि देखिए, हमारा मकसद इलेक्शन में लड़ने का ये था कि जिस तरीके से माइनॉरिटी को दरगुजर किया गया, जिस तरीके से साइडलाइन की गई, जिस तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाया गया, तमाम वो सियासी पंडितों को ये एक एहसास दिलाना था कि माइनॉरिटी सोया हुआ नहीं है। आज हमको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो गंदी सियासत है इसका सबसे बड़ा खामियाजा और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो माइनॉरिटी को उठाना पड़ता है, क्योंकि हम जो है वो एक ऐसे कुचले और दबे हुए लोग हैं जिन्होंने 70 साल से जो है एक किस्म का मुखौटा देख के आए और उस चीज़ को महसूस करते आए कि कांग्रेस पार्टी हमारी है, लेकिन वक्त ब वक्त जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने मुफाद के हिसाब से काम किया है। जिस जोश व खरोश से जो है इंडियन अलायंस आज लड़ रही है, उस जोश व खरोश से माइनॉरिटी ने हमेशा उनका साथ दिया है, लेकिन आज अफसोस ये है कि पूरे इंडियन अलायंस दे देखिए, हम मोदी साहब की तो बिल्कुल मुखालिफत करते हैं क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो तो बिल्कुल जो है मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ है, लेकिन जिसको गले लगाया माइनॉरिटी ने उन लोगों ने भी जो है आज तक साथ नहीं दिया। आज वक्त है, आज मौका है कि आपका भाई जो है आप लोगों के बीच में है। जिस तरीके से कैंपेनिंग शुरू हुई थी, बहुत से लोगों ने जो है सियासी पंडितों ने मुझे जो है कौम का गद्दार कहा, और पान बीड़ी पे खड़े रहने वाले जो आज कहीं पे लोग उनको उनकी असलियत की वजह से जानते हैं वो भी फतवे जारी करने लग गए कि शुएब खतीब जो है वो कौम का गद्दार है। बिल्कुल वोटर्स को पता है, साउथ मुंबई के हर वोटर्स को पता है कि कौम का गद्दार कौन है। 10 साल तक के वो बंदा जो एक अलग एजेंडे के साथ चल रहा था और आज जो एक अलग एजेंडा आ गया, ये सियासत का खेल जो है ना आम लोग नहीं समझ सकते। हमको जो है अपनी पहचान और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत साथ दिया, अल्लाह के फजलो करम से और ऊपर वाले के करम से, कि एक कारवा बन गया और आज जो है पूरे साउथ मुंबई में जो है शुएब खतीब कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। अफसोस ये भी है कि जो हमारे लोग हैं जो ये सियासी कठपुतलियाँ, सियासी लोगों की कठपुतली बनकर रखे है, कल तक के जो अपने ये इस कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं कल तक के उसी को गालियां देते थे, उसी को भरा भुला कहते थे कि उसका एक एजेंडा अलग है। आज जो है वो पता नहीं जिस तरीके से मोदी साहब के पास जो है वॉशिंग मशीन है धुलवाने की, इनके पास भी आ गई कि जो है फौरन वॉशिंग मशीन में वो धुल गए और माइनॉरिटी से जो है मोहब्बत हो गई और सेकुलर बन गए। मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेसर सईद खान साहब ने जो है आज एक प्रेस रिलीज की जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्गली कहा, नाम लिख के नाम के साथ में कहा, बाकायदा फ़ोटो के साथ में कहा कि अरविंद सावंत साहब जो है आप जो है हमारे को हमारी मजबूरी ना समझे कि जो हम आपके साथ में हैं। उनका एजेंडा ये था कि बीजेपी को हटाने के लिए जो है हम आपके साथ में हैं, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त भी की कि 10 सालों में आपने क्या और अपने फ़ायदा क्या किया, 10 सालों में आपने किया है और अपने फंड यहाँ भी पूरी ईमानदारी से लगाया है। उनके सवालात है जनाब अरविंद सावंत साहब को, तो मैं चाहूँगा कि अरविंद सावंत साहब जो है सईद हमीद खान साहब को जो है प्रोफेसर सईद हमीद खान साहब जो है सॉरी तुम्हारा सईद हमीद खान बोला मैंने प्रोफेसर खान सईद साद खान सईद खान सईद खान प्रोफेसर सईद खान साहब जो है उनको जवाब दें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी तहरीर लिखी है आज सुबह से, उन्होंने जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर उसको चलाया है। उन्होंने मुझसे भी अपील की कि आप जो है सोचें समझें और उसके बाद में, वो हमारे कौम के बुजुर्ग हैं, बिल्कुल हम जो है उनकी
इज्जत करते हैं और उनके लिए बिल्कुल सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से साउथ मुंबई के वोटर से ये अपील करूँगा कि आप जो है माइनॉरिटी खुसूसी तौर पर वो ये बात को समझे कि हमारी असल जंग जो थी वो हमारे वजूद की थी 48 सीटों में, जैसे हमारे भाई ने बताया हमको, और आज एजेंडा भी यही था जग जाहिर है कि एक मुसलमान कैंडिडेट को पूरे 48 सीट में एक टिकट नहीं दी गई। यहाँ तक कि हमने तो कहा था कि मालेगांव जैसे एरिया में आप दे दें, जहाँ पे चलिए नहीं दे रहे आप मुंबई साइड, तो मालेगांव जैसे एरिया में एक टिकट तो दे दें, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हुई। आज इंडियन अलायंस जो है, अगर वाकई में सेकुलरिज्म होती तो आप यकीन करें अगर ये टिकट देती माइनॉरिटी को और मुसलमानों को, तो आज जो रंजिशें और जो खला रहती थी है वो नहीं रहती, और यकसुई के साथ में जो है माइनॉरिटी इनके साथ में खड़ा रहता। अगर माइनॉरिटी को अगर ये टिकट देते, मुसलमानों को ये पूरे हिंदुस्तान में टिकट देते, तो मैं यहाँ से आपके मन से कह रहा हूँ कि अगर ये 15 MP जो है आज आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो है माइनॉरिटी के और मुसलमानों के पार्लियामेंट में रहते थे, लेकिन अफसोस ये है कि एक एजेंडा है कि हमको मुसलमानों के और माइनॉरिटी के वोट तो चाहिए लेकिन ये इख्तदार में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये आएंगे तो फिर ये जो है कहीं ना कहीं हक बात को हमसे, हमारी बातों को काट कर जो है ये कौम के भले के लिए करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, तमाम साउथ मुंबई के वोटर से अपील करता हूँ कि हक को पहचाने। लोग जो है, एक तो आज की तारीख में जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या गंदगी निकालते हैं गंदे लोग, और जो है कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों और माइनॉरिटी के पास जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हकीकत खुलकर है, ऐसे लोगों की जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है। तो हमको ज़रूरत ही नहीं है कि उनके बयानात की जो है हम तशरीह करें और हम उनके जवाब दें, वो खुद समझ जाते हैं कि लोग जो है खुद उनको जवाब दे रहे हैं, और 20 तारीख के दिन वो खुद जो है समझेंगे कि इनके बयानात के असरात क्या दिखे। दूसरा, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुंबई पुलिस का, जिन्होंने पूरे के पूरे साउथ मुंबई ने पूरे मुंबई के अंदर जिस तरीके का माहौल बना के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी फिरकावारे ने कोशिश की गई, काफ़ी चीज़ें की गई, करने की कोशिश की गई, लेकिन मुंबई पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से काम किया और कर रहा है, हम उसके लिए बहुत तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। हम उन तमाम लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जब हमने फॉर्म भरा था 4 तारीख को, उसके बाद से लेकर जिस तरीके से लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर हमारे साथ दिया, और आपको पता है कि 10 से 12 रोज़ की कैंपेनिंग में ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साउथ मुंबई के अंदर जो है एक लहर चली है शुएब खतीब की, और ये लहर जो है वो इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह जो है वोटों की शक्लों में तकसीम होंगी। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 रोज़ पहले कि जो हमारे ज़ख़म है और जिन लोगों ने ज़ख़म दिया है वो आज एक अलग मुखौटा पहनकर लोगों के बीच में है। हमने कहा था और वापस से कह रहे कि हमने बिल्कुल खुलकर कहा था कि आप जो है इन ज़ख्मों के ऊपर हमसे माफ़ी मांग ले उस भरे मन से जहाँ से आपने फकरिया बयान दिया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो लोग तो समझ गए कि फ़िरकावारियत किसके अंदर है और सेकुलरिज्म किसके अंदर है। अब जो है लोग ये भी समझे कि आज आपके बीच में आपका भाई खड़ा है, तो उसको आने वाले 20 तारीख को जो है उसकी गूंज सुनाए कि हम मौजूद है, हम जिंदा है, और ये जिंदा कौम जो है ये लीडर बनाती है, ना कि चमचों और पंडितों, पॉलिटिकल पंडितों के पीछे चलती है। ये पॉलिटिकल पंडितों ने सिवाय नुकसान के इस मुल्क में कुछ नहीं किया है। तो आप लोगों से, तमाम साउथ मुंबई के वोटर से अपील है कि मेरी निशानी हाथी है, 2 नंबर का बटन है, मेरा नाम शुएब खतीब है। जिस तरीके से मोहब्बत और खलूस से जो है मेरे जज्बे को सलाम किए, उतनी मोहब्बत और खलूस के साथ में जो है मुझे वोट दे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।